हेलो गाइस, आपका स्वागत है एसजी रिव्यूज़ एंड ब्लॉग्स में। आज हम रिव्यू करेंगे, ये हॉट व्हील्स की प्रीमियम कार है, ये देखिए। इस कार का नाम है अल्फा रोमियो स्प्रिंट GTA। ये रियल राइडर कार है, जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो में, ये देखिए। बाय द वे, नाइस डिटेलिंग इन फ्रंट ऑफ कार, आप देख सकते हैं। ये मेटल बेस है इसका, ये मेन लाइन नहीं है दोस्तों, ये प्रीमियम कार है। मेन लाइन के अंदर बेस इसका प्लास्टिक का आता है और इसके टायर भी रबर के टायर है दोस्तों, आप देख सकते हैं। आपको मैं क्लियरली दिखा देता हूँ। और इसकी पीछे डिटेल लिखी है अल्फा रोमियो जूलिया स्प्रिंट GTA और हॉट व्हील्स का लोगो है। देखिए दोस्तों, इसका कार्ड कितना बढ़िया है। ये 5 कार में से 2 नंबर की कार है, देख सकते हैं। इसके साथ है 971 पोर्श 911, 71 डैटसन 510, 74 एस्कॉर्ट और ये अल्फा रोमियो। इसके पीछे स्टिकर आ गया, इसलिए दो कार नहीं दिख रही है। और ये BMW 2002। देखिए दोस्तों, कार्ड पर कितनी अच्छी डिटेल्स है। और ये देखिए हॉट व्हील्स प्रीमियम, यह है हॉट व्हील्स कार कल्चर सीरीज। देखिए दोस्तों, 2020 सीरीज है। देखिए नाइस पेंट एंड नाइस टायर ऑफ द कार। फ्रंट लाइट के अंदर देखिए क्रॉस है, पता नहीं क्रॉस क्यों है, हेड लाइट्स होनी चाहिए थी इसकी जगह। और रियर के अंदर अल्फा रोमियो लिखा हुआ है। मैं केशव भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई ये हमें अपने हॉट व्हील्स को अनकार्डेड रखना चाहिए या कार्ड करके कार्डेड ही करना चाहिए, प्लीज आप इस पर एक वीडियो दो, हमें सजेशन दो। केशव डाईकास्ट कलेक्शन को मैं बोल रहा हूँ ये, भाई आप अगर सुन रहे हो तो प्लीज़ ज़रूर रिप्लाई करना हमारी वीडियो में। ये देखिए कि मतलब मेरा कहने का मतलब ये था कि ये कार्ड मतलब इसको कार्ड में ही रहने दें या फिर इसको कार्ड से निकाल कर कलेक्ट करें। और हॉट व्हील डिस्प्ले केस के बारे में भी बताया आप मुझे, ठीक है केशव भाई। और ये कैसी लगी कार मुझे कमेंट करके बताओ आप। और सभी व्यूअर्स से गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो और सपोर्ट करो। और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आगे भी आपको ऐसी वीडियो मिल जाएगी। ये मेरी सेकंड कार है, फर्स्ट कार पता नहीं मुझे कौन सी थी, वो मैंने 5-6 साल पहले खरीदी थी जब हॉट व्हील्स सस्ते आते थे। ये देखो दोस्तों, आपको बताना कार का रिव्यू कैसा लगा। देखो मैं कंपेयर करने के लिए इसके सामने ले गया हूँ सीकू की डॉज चैलेंजर। देखिए दोस्तों, इसके सामने कितनी छोटी लग रही है, मतलब इसके अंदर कार इसका पैकेट छोटा है लेकिन कार इसकी छोटी है। ये देखिए, एक मिनट में इसकी कार निकाल के आपको दिखाता हूँ कितनी छोटी कार है हॉट व्हील्स की। ये देखो डॉज चैलेंजर, इसका रिव्यू आप हमारी उस पर देख सकते हैं, इसमें भी बहुत अच्छी डिटेल है, इसमें भी रबर टायर है। ये देखिए दोस्तों कितनी छोटी है कार, ये हॉट व्हील्स वाली कार कितनी छोटी है इस कार से। लेकिन हॉट व्हील्स वाली कार का वेट ज़्यादा है सीकू कार से, और इस सीकू में वो ओपन डोर्स है लेकिन इस हॉट व्हील्स कार में नहीं है। ये मेरी सेकंड कार है और मेरे पास मेजोरेट भी है, मेजोरेट के लैम्बोर्गिनीज भी है मेरे पास। अगर आपको कंपैरिजन वीडियो देखना है तो कमेंट करके बताओ और हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी वीडियो और देखने के लिए। ठीक है दोस्तों, बाय।